दिल्ली का एक और दरिंदा छात्रा पर फेंका तेजाब, पूरी तरह झुलसी छात्रा, अस्पताल में लड़ रही है जिंदगी की जंग। एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। द्वारका जिले के इलाके में एक लड़के ने एक छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। बच्ची को सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया है। दिल्ली पे पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पीएम मोहन गार्डन इलाके में एक छात्रा पर तेजाब फेंकने की घटना के संबंध में सुबह करीब 9 बजे पीसीआर कॉल आई। इसमें कहा गया था कि 17 साल की एक लड़की पर सुबह करीब 7:30 बजे बाइक सवार दो आरोपियों ने कथित तौर पर तेजाब जैसे किसी पदार्थ से हमला किया। घटना के वक्त वह लड़की अपनी छोटी बहन के साथ थी। उसने अपने परिचित दो लोगों पर शक जताया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और आगे की जांच चल रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार छात्रा की हालत स्थिर है। उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि द्वारका मोड़ के पास एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंका गया है। पीड़िता की मदद के लिए टीम अस्पताल पहुंच रही है। बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। दिल्ली महिला आयोग वर्षों से देश में तेजाब बैन करने की लड़ाई लड़ रहा है। दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना से लोग सहमे हुए हैं। आखिरकार वो कौन लोग थे और क्या छात्रा के ऊपर तेजाब फेंका, ये बात अभी पहली बनी हुई है। फिलहाल छात्रा की हालत नाजुक है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। दो आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिसेज इश्यू कर रहे हैं, समन्स इश्यू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिसेज इश्यू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें, क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही, इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजीत है जी। अजीत जी, क्या कुछ हुआ था? सुबह सुबह बच्ची स्कूल जा रही थी तो ये वर्मा ज्वेलर्स के पास बगल में ही वहाँ पे खड़ी हुई थी। किसी का वेट कर रही थी या क्या कर रही थी कंफर्म नहीं पता है, बट किसी ने एसिड फेंका है उसके चेहरे के ऊपर, जो कि वो बुरी तरह से झुलस गई है। उसका चेहरा झुलसा हुआ है और आई में भी फर्क है। तो आपकी दुकान की तरफ भागते हुए आई? जी, भागी हुई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और काफ़ी तेज शोर मचा रही थी कि आ आ करके या हेल्प हेल्प ऐसे कुछ करके बोल रही थी। मेरे को भी समझ में, शॉप के अंदर था, अपने काम कर रहा था, फिर मैं देखा तो वो रोड की तरफ भाग रही थी। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा किसी ने एसिड फेंक दिया मेरे ऊपर। फिर दो तीन लोग रोड पे चल रहे थे, उन्होंने भी बताया भैया कि पानी डाल दो। फिर मैंने उसकी हेल्प करी, पानी डाला, चेहरा धुला उसका, फेस पूरा साफ कराया, सब कुछ किया। सबसे पहले नाम बता दी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। क्या हुआ था, क्या घटना? हमने वीडियो फुटेज देखी है, मेरा घर पास में ही है। हमें बाद में पता लगा, मैं 10-15 मिनट बाद में जब पुलिस आई, जब बाद में आए हम तो वीडियो फोटोज देखी है तो साफ साफ नज़र आ रहा है दो लड़के। एक लड़की पहले यहाँ पे, दोनों बहनें जा रही थी, एक बहन जरा सी आगे रह गई और पीछे वाली बहन किसी का इंतज़ार कर रही थी। पीछे से एक बाइक वाले आए, एक और उस बाइक के ऊपर दो लड़के बैठे थे, एक के ऊपर मास्क लगा हुआ था, एक के ऊपर हेलमेट लगा हुआ था। एसिड का गिलास था लड़की के यहाँ पर सामने, तेजाब डाला है लड़की के चेहरे पर। लड़की इधर भागी है, लेफ्ट साइड के अंदर मदद मांगने लिए भागी है। पड़ोसियों ने उसके ऊपर पानी डाला है। पानी डालने के बाद में फिर वो बाइक वाले इस साइड से भागे हैं जोर से और राइट में टर्न लिया है। वीडियो फुटेज में साफ साफ नज़र आ रहा है। बाकी ऐसी वारदात करने वाले को तुरंत से तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, कानून के तहत मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा अपना व्यूज है कि भरे चौराहे को फांसी की सज़ा देनी चाहिए ऐसे बंदों को जो ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं।
लड़की की उम्र कितनी हो? लड़की सुनने में आ रही कि 12th क्लास की क्लास थी, 12th क्लास में पढ़ती थी लड़की। अब जाए आप लगा सकते हो उम्र की आइडिया क्या होगा, 15-16 साल की, 17 साल की जो भी लड़की है। सुबह के समय बताया जा रहा है, सुबह 7:30 बजे की वारदात है, स्कूल जा रही थी बच्ची, स्कूल ड्रेस में थी बच्ची। यही आसपास रहती है लड़की? हाँ सुनने में आ रहा है पीछे एच ब्लॉक में रहती है बच्ची। बाकी ये घिनौनी हरकत है, मैं फिर कहूँगा एक बार कि जल्द से जल्द पकड़ के पूरी पब्लिक के सामने फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि कोई हिमाकत ना करे दोबारा ऐसा कोई बच्चे। कौन सा इलाका है ये? रामा पार्क शिव ब्लॉक उत्तम नगर मोहन गार्डन थाना। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है, हर कंडीशन स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया जा रहा है, और एक अन्य लड़का इसमें मेन सस्पेक्ट के तौर पर उभर कर आया है, जिसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे कार्रवाई चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली आज। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर, इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें, जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।